हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में आज हम। तो बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे जिनको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, अभी जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन में हम कर रहे हैं उसको देखिए आप। तो ये है क्वेश्चन बच्चों, क्या है, ध्यान से देखिए इसको, सब देख पा रहे हैं आप। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति भाई नीचे 12.12, ये आकृति है 0.12, इसमें दर्शाया गया है। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। जो भाई सिल्वर चांदी का तार की जरूरत होगी वो टोटल लंबाई उसकी कितनी होगी, चांदी का तार जो इसमें इस्तेमाल होगा। और दूसरा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूस, यानी भाई जितने भी सेक्टर हैं हर एक सेक्टर का, सेक्टर यानी त्रिज्याखंड, तो हर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आपको फाइंड आउट करना है। भाई इंग्लिश में भी देख लीजिए, अ ब्रूच इज मेड अप विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर जो नीचे दी गई है। फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि भाई काम कैसे हुआ है, जो वायर है उसका क्या किया गया है। भाई एक तो इसका डायमीटर आपको दिया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। ब्रूच कैसा है, एक सर्कुलर शेप में है, व्यास जो एक वृत्त है उसकी फॉर्म में है, वृत्ताकार ब्रूच बोला गया है आपको। यहाँ पे देखिए सर्कुलर या फिर वृत्ताकार ये ब्रूच बनाया गया है और इसका व्यास आपको गिवन है, ठीक है। जो वृत्ताकार ब्रूच है यानी जो वृत्त है उसका व्यास यानी डायमीटर आपको दिया हुआ है। डायमीटर क्या हो गया, ये पूरा हो गया डायमीटर, तो डायमीटर आपको दिया हुआ है 35 mm। और क्या बोला गया है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। आप देखिए ध्यान से, इसके 5 व्यास हमने बनाए हैं कैसे, एक तो ये हो गया, ये तार का बना हुआ है, बाकी ये जितने भी आप व्यास देख रहे हैं, डायमीटर्स देख रहे हैं, ये लाइन दिख रही है, ये सारे डायमीटर हैं। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इनको बनाने में भी तार का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो सेक्टर्स दिख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये सारे 10 सेक्टर्स हैं टोटल। कितने, 10 सेक्टर हैं, यानी 10 त्रिज्याखंड हैं जो कि बराबर हैं, इक्वल हैं, बोला गया है ना, उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में बांटा गया है। तो आपको क्या बताना है, भाई कुल जो लंबाई है तार की यूज हुई है वो, और भाई हर एक सेक्टर का क्षेत्रफल। चलिए इसको नोट डाउन करके जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे आप। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है वो चेक कर लेते हैं, डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच, भाई जो सर्कुलर ब्रूच है उसका डायमीटर यानी व्यास,
कितना है, 35 mm है, ये लिख लीजिए। तो आप बताइए रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस आर से डिनोट कर देंगे, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 35/2 mm ऐसे ही लिख लेंगे इसको, आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा आगे। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देखिए, अगर हमें टोटल लंबाई, टोटल लेंथ निकालनी है तो उसके लिए एक तो चाहिए हमें सरकमफेरेंस यानी परिधि चाहिए इस सर्कल की, क्योंकि भाई एक तो इसके चारों तरफ जो लगा है वो तार लगा है, तो परिधि से पता लग जाएगी कि तार की लंबाई कितनी है, और भाई जो इसके 5 डायमीटर हैं उनकी भी तार से बनाया गया है, तो 5ों डायमीटर की लंबाई कितनी होगी वो भी आप निकाल के ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस यानी परिधि कितनी आ जाएगी, 2πr होती है परिधि, ठीक है, तो 2 × π है 22/7 इंटू आर है, आर कितना है 35/2, यही है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे कैसे करना है, भाई ये 7 है ना, तो 7 × 5 = 35, और ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होके 22 × 5 = 110 mm, तो जो इसकी परिधि है वो 110 mm है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ परिधि सर्कमफेरेंस निकाला है, हमें भाई जो इसके डायमीटर हैं, ठीक है, वो भी तो यूज हुआ है, वहां भी तो तार यूज हुआ है, तो आप क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, भाई 5 जो व्यास बनाए हैं उसमें तार की कितनी लंबाई यूज हुई है वो कैसे निकालेंगे, 5 × 1 का डायमीटर 35 है, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 हासिल 5 = 15 और 2 = 17, ठीक है, तो 175 mm आया है, क्लियर है, 175 mm टोटल जो 5 डायमीटर में तार यूज हुआ है वो है। अब हम निकाल लेंगे कि टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई है कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग ब्रूच, तो ब्रूच बनाने में तार की कुल लंबाई जो यूज हुई है वो क्या होगी, सर्कमफेरेंस हो गया एक तो, प्लस टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, ठीक है, कितनी कितनी आई है, ये हमने निकाल ली है दोनों चीज, एक तो 110 है, एक 175 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 285 mm आ जाएगा, तो तार की जो कुल लंबाई यूज हुई है 285 mm यूज हुई है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, यहां से देख लीजिए आप, तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसमें बोला गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का क्षेत्रफल आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिर हमें पता करना पड़ेगा कि भाई इसका जो ये रेडियस है वो कितना है, वो तो हमें पता है ऑलरेडी पता कर लिया, दूसरी चीज क्या होती है,
दूसरी चीज होती है जो थीटा, जो कोण बनता है सेंटर पे, वो कितना बन रहा है। तो 10 सेक्टर में ये सर्कल डिवाइडेड है, तो एक सेक्टर का कितना होगा? अब टोटल एंगल 360 होंगे, है ना, ये पूरा एंगल इस सर्कल का 360 होगा। इसको 10 भागों में बांट दिया है, तो एक भाग 36 डिग्री का होना चाहिए, है ना, एक सेक्टर 36 डिग्री का होना चाहिए। जब बोला गया है कि 10 के 10 बराबर हैं, 10 के 10 त्रिज्यखंड बराबर हैं, तो एक त्रिज्यखंड कितना डिग्री का कोण बनाएगा सेंटर पे? 36 डिग्री का। बस ये चीज हमें पता है तो बात बन गई है। तो आप लिखेंगे इच सेक्टर सबस्टेंड 36 डिग्री एट सेंटर, भाई केंद्र पे 36 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एरिया निकालिए आप, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है बच्चों यहाँ पे? थीटा 36 डिग्री है, टोटल 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 35/2 का वर्ग। इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा? 10। तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, 7 × 5 = 35 आ गया, है ना, और 5, फिर 5 कट गए, ये 2 आ गया, 2 से इसको काट देंगे, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 11 इंटू 35/2 × 4। तो 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 × 5 = 55, 5 + 11 = 33 और 5 + 38 385/4 mm का स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 385/2 mm². नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एमएम स्क्वायर है बच्चों ये। दोबारा मैं लिख देता हूँ इसको, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कर लिया है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगला सवाल है आपके लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, एक छतरी में 8 दाने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आप आकृति में देख सकते हैं, छतरी सबके पास है, सबने देखी होगी, तो कुछ इस तरह से होती है, उसमें कुछ तार होते हैं, तो यहाँ पे 8 ये तार लगे हुए हैं इस छतरी में जो बराबर दूरी पे लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस छतरी को पूरा सीधा कर दिया हमने, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि भाई अगर हमने सीधा मान लिया और छतरी की जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या बताना है आपको? इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, ये क्षेत्रफल आपको बताना है, क्योंकि सारे बराबर होंगे तो इनका क्षेत्रफल आप बता देंगे। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, आकृति में देखिए, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, भाई इसको फ्लैट सर्कल मान लिया हमने, तो इसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया बिटवीन
टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो यहाँ के देखिए टू कंसेक्यूटिव जो रिब्स हैं इनके बीच का एरिया आपको बताना है, ये एक सेक्टर बन गया है। बस आपको ये देखना है कि ये सारे सेक्टर इक्वल हैं, एक सर्कल में कितने सेक्टर्स बने हैं ये आपको चेक करना है, जिसकी हेल्प से आप थीटा निकाल लेंगे, और थीटा निकल गया तो काम हो गया, फिर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली, यहाँ पे हमें थीटा पता होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे सेक्टर देखिए कि कितने हैं, बोला गया है यहाँ पे कि 8 रिब्स हैं, इसके 8 रिब्स हैं। तो सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही सेक्टर होंगे, है ना, 8 त्रिज्याखंड होंगे। तो आप मुझे बताइए कि जो ये 8 त्रिज्याखंड है, तो हर एक त्रिज्याखंड कितने डिग्री का कोण सेंटर पे बनाएगा, थीटा कितना होगा। टोटल 360 होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, और इनको 8 भागों में हमने इस इन 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया है। कितना आ जाएगा, 8 से कैंसिल आउट करिए, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, तो 45 डिग्री। मतलब जो ये एक रिब है, ठीक है, ये जो 2 रिब्स हैं ये सेंटर पे 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2 रिब्स सबस्टेंड 45 डिग्री एट द सेंटर। ये चीज समझ में आई बच्चों। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है एरिया, है ना, एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या होता है सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर कितना है, रेडियस कितना है, दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो इसकी तो दिक्कत नहीं है, रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा कितना है 45 बटे 360 इंटू 22/7 है, और ये 45 का वर्ग आ जाएगा। क्लियर है, 45 का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 का वर्ग, 45 इंटू 45 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कीजिए और बताइए आंसर क्या आता है आपका, वो फाइनल क्या हो जाएगा भाई, एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा, या फिर एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एम्ब्रेला। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए आप। तो बच्चों जिसका भी आंसर आया है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज दीजिए। देखिए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं हम, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 से कैंसिल आउट करिए, ये 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, है ना। तो 11/7 चौक 28 इंटू 45 इंटू 45 कितना होता है, देखिए जिसके जो 2 अंकों की संख्या होती है और जिसके एंड में 5 होता है, उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है। ट्रिक हमने सीखी थी भाई, जो 5 है, ठीक है, ये 5 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 25, एज इट इज लिख दीजिए। फिर ये 4 है और इसमें 1 प्लस करके ऐड कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की 5 से गुना कर देंगे हम, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 2025, 45 इंटू 45 आ गया। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको 11 इंटू 2025, तो ये आ जाएगा 2 2 2 75/28, ठीक है, इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका
क्षेत्रफल आ गया बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और बच्चों जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस काफी आपके काम आने वाले हैं एग्जाम्स में। आपके जो ये क्वेश्चंस आएंगे, आप देख सकते हैं एक जैसा सा पैटर्न है सबका। आपको या तो सेक्टर का एरिया निकालना होता है या सेगमेंट का एरिया निकालना होता है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिए जाते हैं जो समझना है। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।